वो सबसे बेहतरीन बिल्डिंग पुलिस के लिए हम लोगों ने बनाई हेडक्वार्टर। देश के जो भी डीजीपी होम सेक्रेटरी आए हों उनसे जानकारी कर लेना, देश में उससे अच्छी पुलिस को व्यवस्था नहीं दी। और व्यवस्था ऐसी दी है कि किसी गांव में किसी गरीब के यहां अगर कोई घटना हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, परिवार में झगड़ा हो जाए, पानी को लेके झगड़ा हो जाए, उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था समाजवादियों ने दी, फोन मिलाने पर 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है और मदद करती है और पीड़ित की। बताओ यहां पर फोन करने के बाद कितने घंटे में पुलिस पहुंचती है? बताओ साथियों, अगर घटना हो जाए, मारपीट हो जाए, गाली गलौज हो जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, पानी को लेकर के, मेड़ को लेकर के, खेत को लेके, जानवर को लेकर के, बताओ कितनी देर में पुलिस पहुंचती है? अगले दिन सुबह? सोचिए आप, उत्तर प्रदेश में समाजवादी अगर फोन करोगे 10 और 15 मिनट में पुलिस पहुंचती है, मदद करती है। ये काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादियों ने कर करके दिखाया है। यही नहीं, हम लोगों ने सबसे बेहतर योजना बहन और बेटियों और माताओं के लिए दी है। इधर जब से ये मोबाइल आए हैं, और अगर हम मध्य प्रदेश के आंकड़े देखें जो होम मिनिस्ट्री में जमा किए हैं, सबसे ज्यादा अगर पीड़ित कोई है मध्य प्रदेश में तो हमारी माताएं बहने हैं, जिसमें दलित और आदिवासी ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षित देश में महिलाएं और बेटियां बहने कहीं हैं तो वो मध्य प्रदेश में हैं। बताओ पत्रकार साथियों, ये आंकड़े बताते हैं कि नहीं बताते हैं आंकड़े? उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने 10-90 दी मदद और कहा कि अगर कोई बहन और उसको कोई परेशान कर रहा है तो बिना सूचना दे करके उस फोन नंबर पर शिकायत की जा सकती है और पुलिस तब तक मदद करेगी जब तक वो व्यक्ति जो परेशान कर रहा है वो शांत ना हो जाए। अगर वो शांत नहीं होता है तो पुलिस कार्रवाई कर करके उसे जेल में डालने का काम करती है, लेकिन लड़की की आइडेंटिटी को नहीं बताते कि कौन बेटी है, किसको परेशान किया था। ये व्यवस्था अगर किसी ने दी थी तो समाजवादियों ने दी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जब योजना के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी योजना हर प्रदेश में होनी चाहिए जिससे बेटियों की सुरक्षा और बेटी माताओं बहनों की मदद हो सके। बताओ मध्य प्रदेश में कोई अगर अलग से बेटियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई नंबर हो तो बता दो हमें, कोई व्यवस्था हो तो बता दो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, नेताजी जिन्होंने ये पार्टी हम लोगों को दी बना करके, जिन्होंने हमें चुनाव चिन्ह साइकिल दिया, जिन्होंने हमें सर पे लाल टोपी पहनना सिखाया, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया था कि सीमा पर अगर कोई भी शहीद होगा उसे पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार में लाने का काम किया जाएगा। अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था। बताओ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई शहीद हो जाए तो क्या पूरे सम्मान के साथ वहां पहुंचता है घर पर? ये जो अग्निवीर व्यवस्था है नौजवान साथियों, ये अग्निवीर जो व्यवस्था बनी है, इसमें अगर कोई शहीद हो जाएगा तो उस नौजवान को सम्मान नहीं मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना मदद मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। अभी पंजाब में 19 साल का नौजवान लड़ते लड़ते शहीद हो गया था, इस सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया ना मदद की, बताओ आप। और ये सरकार कहती है हम राष्ट्रभक्त हैं, ऐसी सरकार जो फौज की आधी अधूरी नौकरी दे रही है, बताओ आप उसको राष्ट्रवादी मानोगे? ऐसी सरकार जो नौजवानों को लेकर के भर्ती करा दे और 4 साल के बाद रिटायर कर दे, कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं, क्या वो सरकार राष्ट्रप्रेमी हो सकती है? इसलिए सावधान रहना। और कल मैं देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 13 करोड़ लोग अब गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। कल और मैं कहता